आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर ज़रूर इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि इनके साथी अंदर जो हैं वो रहने वाले थे। और किस तरह से एक समाचार इनके पास पहुँचता है कि जो 3 मंजिला इमारत जिसमें 156 लोग जो लेबर के रहा करते थे, बड़ी खबर, 156 लोग जो है वो रह रहे थे उस बिल्डिंग के अंदर और 100 लोग कमरों के अंदर थे जो पीछे की खिड़कियों से निकल जाते हैं और जो आगे जो बरामदे में सो रहे थे वो 56 लोग जो हैं वो नीचे गिरते हैं, जिसमें से कुछ लोग जो है उस समय उस मलबे में से निकाल लिए गए और 17 लोग बुरी तरह से घायल हैं और 4 की पुष्टि हो चुकी है कि जो इस हादसे का शिकार हो चुके हैं। जी हां, दर्दनाक उनकी इस हादसे के अंदर मौत हो चुकी है और इनके परिजन तमाम यहां पर पहुंचे हुए हैं। किनों के दोस्त थे, किनों के भाइयों थे, किनों के परिवार के सदस्य थे, आप देखिए लगातार सुबह से ये कार्य चल रहा है और फिलहाल मलबे के नीचे से जो है वो जो प्रवासी मजदूर हैं उनको निकालने का कार्य जो है ये मशीन जेसीबी द्वारा किया जा रहा है और जेसीबी मशीन की लगातार संख्या जो है वो बढ़ा दी गई थी और जो डेरा सच्चा सौदा के सेवादार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह से ये हादसा हुआ, उसकी ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई। तरावड़ी से, तरावड़ी के शिव शक्ति राइस मिल और सड़क को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है और अभी भी एम्बुलेंस यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और फिलहाल अभी भी देखा जा रहा है कि और कोई अंदर तो नहीं है। ये देखिए किस तरह से तमाम उस परिवारों के लोग हैं जो यहाँ पर अपनी निगाहें बिठाए हुए हैं कि इस तरह से जो हादसा है हुआ है तो उनमें इनका कोई परिवार का सदस्य ना हो। देख सकते हैं किस तरह से ये तमाम लोग यहाँ पर सुबह से यहीं पर मौजूद हैं और 3:05 पर ये हादसा होता है जिसके बाद 3 मंजिला इमारत गिरती है। उसके अंदर लगभग 50 से 57 लोग बताए जा रहे हैं जो फंस चुके थे और जिसमें से 2 लोग नहीं मिल पा रहे थे और उन्हें भी रेस्क्यू कर लिया गया है पुलिस की टीमों द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा। और देख पा रहे हैं तस्वीरों के अंदर, ये आप सभी से अपील करूंगा इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे। तमाम तस्वीरें करनाल के तरावड़ी से, यहाँ पुलिस बल, भारी पुलिस बल देख सकते हैं, महिला पुलिस हो, आप देखिए किस तरह से यहाँ पर तैनात की गई हैं ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। और दमकल विभाग की लगातार गाड़ियाँ और उनके जो कर्मचारी हैं रेस्क्यू करने का काम लगातार करते हुए सुबह से नज़र आ रहे थे और अब 2 जो लोग नहीं मिल पा रहे थे उन्हें भी खोज लिया गया है इस मलबे के अंदर से। और देख पा रहे हैं तस्वीरों के अंदर जो पुलिस फोर्स है वो ज़रूर बुलाई गई थी क्योंकि जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बिगड़ ना जाए, जिसके चलते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो ज़रूर पहुँचे थे। ये लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं, मेरी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को आप साथ के साथ शेयर जरूर करते रहना। किस तरह से देखने को मिला, देखिए जो लेबर के लोग थे वो हादसे का, 4 लोग जो हैं इस हादसे में जो शिकार हैं वो हुए हैं, जिसकी ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रही हैं। तमाम जितने भी करनाल के SHO थे वो सभी यहाँ पर बुला लिए गए और DSP तमाम वो भी मौके पर पहुँचे हैं। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं जो मुंशी थे, मुंशी जी कितने लोग थे इसके अंदर और कहाँ कहाँ के लोग थे रहने वाले? बिहार, UP, सारे बंगाल का भी था, सारे जगह। कितने लोग थे अंदर रहने वाले? अंदर तो काफ़ी बंदे थे, सारे निकले हैं अभी, 10 बंद हाँ जो घायल हैं हॉस्पिटल में हैं। तो मरने वाले की संख्या कितनी है? मरने वाले को भी पता नहीं लग रहा है। तो जितने निकले हैं उनकी शनाख्त हुई है, पहचान होगी उनकी? पहचान हो गया है, ठीक है ना। ये भी अंदर था? अब ये देखिए, ये भी घायल जो है ये भी अंदर था और फिलहाल इसे भी उपचार के लिए भेजा जा रहा है। देखिए ये भी घायल अंदर से ही निकला है और इसे भी यहाँ से उपचार के लिए भेजा जा रहा है, जिसकी ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मेरे आप सभी से अपील, इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर जो है वो बुला लिया गया है ताकि पता लगाया जा सके इस मलबे के अंदर और लोग तो नहीं हैं। आप देख सकते हैं डॉग स्क्वाड भी जो है वो मौके पर बुला लिया गया है, लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं। और फिलहाल अब प्रयास किया जाएगा मलबे के अंदर देखने का, अंदर और कोई जो जो लेबर है, मजदूर है, वो नहीं है। देख सकते हैं लगातार टीमें बढ़ती हुई ज़रूर नज़र आ रही हैं और NDRF को भी मौके पर बुलाया गया, कुछ ही समय में NDRF की टीमें भी मौके पर पहुँच जाएंगी। आप देख सकते हैं किस तरह से रोड को दो चारों तरफ से सील कर दिया गया है ताकि कोई भी अंदर आ ना पाए। और फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह से ये रेस्क्यू है वो चल रहा है। करनाल के तरावड़ी से लाइव तस्वीरें दिखा रहा था, धन्यवाद। आप देख सकते हैं NDRF की टीमें जो हैं वो मौके पर पहुंच चुकी हैं। किस तरह से देख सकते हैं
तीन मंजिला इमारत गिरने के बाद जो मलबा है और उसके नीचे ऐसे कोई प्रवासी मजदूर ना हो, जिन्हें निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीमों को भी बुला लिया गया है, जिसकी ये लाइव तस्वीरें आप करनाल के तरावड़ी से देख सकते हैं। देखिए किस तरह से जो डॉग्स हैं वो भी लेकर साथ में पहुंची है, ये लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीमें किस तरह से अब आगे की ओर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। जहाँ पर इमारत गिरी थी उसी तरफ जो है एनडीआरएफ की टीमें देखिए किस तरह से मौके पर पहुँच चुकी हैं, और जैसे ही सूचना मिली तुरंत ये टीमें वहाँ से निकलती हैं, और आप देखिए आगे मौके की ओर एनडीआरएफ इंडिया की टीम जो है वो मौके पर है। और किस तरह से देखिए जो इमारत गिरी थी, इमारत गिरने के कुछ ही समय बाद देखिए एनडीआरएफ की टीमें अब मौके पर हैं, ये लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं। फिलहाल डॉग्स देखिए साथ में हैं, और फिलहाल अब उस मंजिल की ओर, उस बिल्डिंग की ओर जाती हुई ये एनडीआरएफ की टीमें आपको नज़र आ रही होंगी। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें। फिलहाल आप देखिए लगातार घायलों को यहाँ से लेकर जाती हुई टीमें, ये लाइव तस्वीरें करनाल से, और एनडीआरएफ की टीमें देखिए किस तरह से अब लोकेशन पर पहुँच चुकी हैं, और जानकारी मिलते ही ये टीमें भी वहाँ से निकल चुकी थी, अब मौके पर पहुँच चुकी हैं। अब रेस्क्यू का काम जो है बाकी का बचा हुआ एनडीआरएफ द्वारा भी किया जाएगा, ये लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मेरी आप सभी से अपील है इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। आप देख सकते हैं अब जो आगे का कार्य है वो एनडीआरएफ जो इंडिया की टीम है उसके द्वारा किया जाएगा। देखिए सब चीज़ों को अब समझाते हुए नज़र आ रहे हैं, ये काम इस तरह से किया जाएगा। और फिलहाल ये लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीमें मौके के ऊपर पहुंची हुई आपको नज़र आ रही होंगी। आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और किस तरह से जो चार प्रवासी मजदूर थे जो इस हादसे में जो है जिनकी दर्दनाक मौत हुई है, उसके बाद आप देख सकते हैं लगातार हर तरह का रेस्क्यू जो है वो करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें से चार लोगों की दर्दनाक मौत बताई जा रही है, और उनको मुआवजे की जो ये शिव शक्ति राइस मिल है उसके तरफ से भी बात रखी गई है, और साथ ही साथ प्रशासन जो SP जो शशांक कुमार है उनके द्वारा भी ये बातचीत जरूर रखी गई, उन परिवारों को मुआवजा के भी जो है वो ज़रूर दिलवाया जाएगा। फिलहाल आप देख पा रहे हैं ये तस्वीरें हैं करनाल के तरावड़ी से, एनडीआरएफ की टीमें भी अब लगातार काम करती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं, लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं। मेरी आप सभी से अपील भी रहेगी इस वीडियो को आप साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें।